सदन से लेकर सड़क तक आपको जानकारी मैं दे दूं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब बेरोजगारी के सवाल पर जब प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर, तो उन पर जो है सो उनके ऊपर हमला माने किया गया, बाल बाल वे बच गए। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए बिहार में बेरोजगारी का दर क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट ने बता दिया, हमें कहने की जरूरत नहीं है। मगर बिहार में जो बच्चे पास होते हैं, हर परिवार का एक ख्वाब होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर सरकारी बाबू बने, उसके लिए वो सब कुछ कर जाता है। बच्चा भी पढ़ लिख कर सब कुछ कर जाता है, पास हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं मिलती। 2014 से बीएसएससी का मामला लटका है, एसटीईटी वाले सड़कों पर है, गर्दनी बाग जाइएगा तो लगेगा मेला है। किस चीज का, बेरोजगारों का। चितरंजन गगन जी हैं हमारे साथ मौजूद। चितरंजन जी, जिस तरह से बिहार में युवाओं के साथ हो रहा है, क्या कर रही है विपक्ष? सरकार तो कहती है कि भाई हम तो कर दिया। देखिए हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की जो भूमिका है उसमें कहीं भी हम पीछे नहीं हैं। लगातार आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के प्रयास से चुनाव का मुद्दा बना बेरोजगारी। जब तक ये अब तक जो भी चुनाव होते रहा है उसमें सत्ता पक्ष जो मुद्दा तय करती है वही मुद्दा पर चुनाव होता है। पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी का सवाल उठाया और मुद्दा बना और एनडीए के नेताओं को भी बेरोजगारी पर अपना एक जो जुमला होता है, जुमला उनको करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष लगातार युवाओं के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और भी जो मूलभूत समस्या है लोगों से जुड़ा हुआ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास का मामला हर मामला उठाते रहे और निश्चित रूप से बेरोजगारी जो है एक बहुत विकट समस्या हो गई है बिहार के लिए। और इसमें आप देखे हुए कि दो दो बार जो कोरोना का अटैक हुआ, जिस जंग से बड़ी संख्या में लोग वहाँ से प्लान करके जो यहाँ से गए हुए थे लौटे और जो उनके साथ हुआ, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक आपको जानकारी मैं दे दूँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब बेरोजगारी के सवाल पर जब प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर, तो उन पर जो है सो उनके ऊपर हमला माने किया गया, बाल बाल वे बच गए। यहाँ डकबंगला चौराहा पर उन पर रोड़ेबाजी ऊपर से हुई, बाल बाल बच गए, वह खुदा का शुक्र कहिए कि बच गए। उसके बाद उनके ऊपर उनके खिलाफ केस हुआ, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है। चलिए वो सब तो है, मगर अभी क्या इन युवाओं का क्या होगा जो 2014 से पास करके बैठे हैं, एसटीईटी वाले पास करके बैठे हैं? आप 2014 की बात कर रहे हैं, 2009 से जो वैकेंसी निकली है वह जो है सो अभी तक उसमें नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार केवल टाल मटोल करती है। अभी आप जो गर्दनी बाग की चर्चा की, गर्दनी बाग में जो बैठे हुए थे शिक्षक अभ्यर्थी, इनका सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, इनका काउंसलिंग हो चुका है, इनके जो सो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वह जो है सो जमा है सरकार के पास, और उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में पहले भी बजट सत्र के दौरान भी बोले, वह फेल हो गया, कहे कि 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे लोग। पहले कहे कि साहब हाई कोर्ट में ब्लाइंड केस ऐसे ऐसे है और इसलिए अभी प्रभावित होगा, टार दिए, ब्लाइंड केस क्लियर होगा तब। हाई कोर्ट ने कहा कि शीघ्र इनकी नियुक्ति कीजिए, और उसके बाद जो है सो माने इनके द्वारा घोषणा किया गया कि हम 15 अगस्त को शिक्षक जो हैं सो अपने विद्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे, वह भी चला गया। फिर बोले कि दीपावली 26 जनवरी आ रहा है, दीपावली की मिठाई जो है वह जो है सो उसके पहले ही उनको नौकरी मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेंगे तो जो है सो दीपावली की मिठाई के पहले ही वे मिठाई खा लेंगे, वह भी चला गया। फिर हुआ कि नवम्बर में होगा, नवम्बर चला गया, अब हुआ जनवरी में होगा, जनवरी भी अब जा रहा है। उनका डिमांड है कि भाई आप शेड्यूल तो घोषित कर दीजिए, डेट तो बता दीजिए कि कब आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, वो अभी सरकार नहीं कर रही है, फिर उसे वही पुराना राग रट रही है। पुराना राग रट रही है, मगर उस पुराने राग में जो नई जवानी है वो बर्बाद हो रही है। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, एक बिहार का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। आपकी राय क्या है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.